अनुपमा ने समर और डिम्पी की शादी की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों अनुपमा ने अपने लाडले बेटे समर की शादी की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया, क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल इस वक्त सीरियल अनुपमा में अनुपमा काफ़ी इमोशनल वक्त से गुजर रही है। जहां अनुपमा से उनकी बेटी उनका पति छिन गया है, वहां उनसे उनका डांस अकेडमी तक छिन गया है। जी हाँ, अब सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि बहुत ही जल्द डिम्पी का डाइवोर्स होने वाला है और फिर डिम्पी और समर एक दूसरे से शादी करना चाहेंगे। तो डिम्पी और समर शाह हाउस आकर सभी फैमिली के सामने ये कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो लीला फौरन अनुपमा को फ़ोन करती है और अनुपमा से कहती है कि क्या वो समर और डिम्पी की शादी की सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। तो अनुपमा सीधे सीधे मना कर देती है। अनुपमा कहती है कि उन्हें कोई भी दिलचस्पी नहीं है समर और डिम्पी की शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए। समर और डिम्पी बड़े हो गए हैं, दोनों अपने शादी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लेकिन अगर उन लोग दोनों को लगता है कि अनुपमा को उनकी शादी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए तो समर और डिम्पी को आकर अनुपमा के घर यानी कि अनुपमा के मम्मी के घर में रहना होगा और वहीं शादी करना होगा। अब देखते हैं कि अनुपमा का ये शर्त शाह परिवार मानते हैं या नहीं। अगर अनुपमा समर और डिम्पी के शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाती थी तो डेफिनेटली है कि समर और अनुपमा के रिश्ते में दरार तो आनी ही है, क्योंकि उनके रिश्ते में थोड़ी थोड़ी खटास आनी शुरू हो गई है डिम्पी के आ जाने से। अब देखते हैं कि सीरियल क्या नया मोड लाता है। तो दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सब पे, आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा ने समर और डिम्पी की शादी की जिम्मेदारी से इनकार करके सही किया है, कमेंट में हमें बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप्तों।